हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए, रात से ही लगातार बारिश होती जा रही है। और कल ही ये कपड़ा धोई थी जो कि अभी तक नहीं सूखा है, पानी इससे निकल गया था। हल्की हल्की धूप लगती तो कड़क हो जाता कपड़ा, मगर रात को इतनी तेज़ बारिश आ रही थी ना कि सारे कपड़ा कपड़ा जो रस्सी पे साइड में करके मैं रखी थी, सब हवा के झोंके से गीला हो गया है। और अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ, और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी अपना पूजा मॉर्निंग रूटीन, कि मैं मॉर्निंग में डेली अपना घर में रेगुलर पूजा कैसे करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं आ गई हूँ नहा धो के, और ये कपड़े से मैंने भगवान जी का फोटो को पोछ लिया है। फिर उसके बाद मैंने पूरे मंदिर को पोछा है। मंदिर पोछने के बाद फिर मैं पूजा का बर्तन जितने भी मैं इस्तेमाल करती हूँ रेगुलर पूजा के लिए, सब मैंने धो के लिए आई हूँ। और इसको मैंने सुखा भी दिया, कपड़े से पोछ भी दिया हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा सामग्री निकालने के लिए, कि रेगुलर मैं पूजा में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी मैं रुई का बाती निकाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे धूप अगरबत्ती का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जो अगरबत्ती होते हैं ना उसमें बांस होता है, लकड़ी जो होते हैं ना हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ही हानिकारक होते हैं। जो आप सिगरेट पीते हो ना, इससे कई गुना इससे मतलब पल्यूशन निकलता है। तो धूप अगरबत्ती जो होते हैं ना शुद्ध होते हैं, इसमें कोई लकड़ी नहीं होता है। जो लकड़ी होते हैं ना, वो जो अगरबत्ती हम जलाते हैं वो लकड़ी होता है बांस का, जो बांस जो होते हैं बांस को जलाते कभी नहीं है। तो यहाँ पे मैं प्रसाद निकाल लेती हूँ, अक्षत निकाल लेती हूँ। तो पहले मैं ना अगरबत्ती ही जलाती थी, मगर फिर मेरा ना सर दर्द होता था। तो फिर पता चला कि अगरबत्ती जलाने से इसमें पल्यूशन निकलता है, इसके वजह से मतलब निगेटिविटी, मतलब सर उर में दर्द वगैरह ये सारी चीज़ें हो सकती है। फिर इसको मैं अगरबत्ती जलाना बंद कर दिया। अब मैं धूप अगरबत्ती करीबन 1.5 साल से मैं धूप अगरबत्ती ही जलाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अरवा चावल यानी कच्चा चावल अक्षत के लिए ले लिया हूँ। उसके बाद बताशा ले लिया हूँ प्रसाद में, बताशा। और अगर बताशा नहीं होता ना, तो जो मिश्री होते हैं ना, कटाव मिश्री बोलते हैं, चीनी की तरह थोड़ा मोटा मोटा होता है, वो इजीली मार्केट में मिल जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं चंदन निकाल रही हूँ, और सिंदूर मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पे घी निकाल रही हूँ, बाती मैंने रुई का लगा दिया हूँ पहले ही, और मैं घी का ही दीपक जलाती हूँ। अगर नहीं होता ना, तभी मैं सरसों का तेल इसमें डालती हूँ, क्योंकि अगर 5 मिनट भी आप अपने घर में घी का दीपक जलाते हो ना। तो सारी तैयारियां हमने कर लिया है। देखिए ये सदाबहार का फूल है, अभी बारिश हो रही है तो अभी फूल कहीं से मिल नहीं पाएगा, और मैं ज़्यादातर इसी से फूल से पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे छत पे ही ये फूल लगा हुआ है। तो ये फूल ले लेते हैं। हमारा पूजा का प्लेट पूरी तरीके से तैयार हो गई है। यहाँ पे बताशा है, बताशा रहता है तो बताशा मैं चढ़ा देती हूँ, या मिश्री रहता है तो मिश्री चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पे घी का मैंने बाती सेट कर लिया, यहाँ पे धूप अगरबत्ती सेट कर लिया है, और यहाँ पे देखिए घंटी है, चंदन है, रोली है, अक्षत है, सब कुछ हमारा जितना भी मतलब नॉर्मली डेली पूजा के लिए तय होता है वो हमने प्लेट तैयार कर लिया है। अब पूरे मंदिर को मैंने पोछ दिया है, जितने भी फोटो है ना भगवान जी का, सब फोटो को मैंने कपड़े गीला करके, मैंने इसी कपड़े से मंदिर को भी पोछा, इसी कपड़े से मैंने भगवान जी को भी पहले पोछा। तो पहले भगवान जी का फोटो को मैंने पोछ के साइड कर लिया, फिर मंदिर को पोछ के फिर मंदिर में मैंने भगवान जी का फोटो को सेट कर दिया है। तो सबसे पहले हम गंगा जल छीटेंगे, उसके बाद हम अपने ऊपर भी छिड़क लेंगे। और पूजा करते समय ना सर पे आपको कुछ ना कुछ कपड़ा होना चाहिए। अगर आप सूट पहनते हो तो सर पे चुन्नी रख लीजिए, अगर साड़ी पहनते हो तो साड़ी का पल्लू रख लीजिए। तो मैंने दीपक जला दिया है, पूजा करने से पहले ही मैं दीपक जला देती हूँ। उसके बाद मैंने अक्षत छीटा है, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी पूजा मैं करती हूँ ना तो पहले गणेश जी से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि कोई भी पूजा स्टार्ट करने से पहले गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो
तो यहाँ पे मैं गणेश जी को चंदन लगाई हूँ, उसके बाद कान्हा जी को, फिर शंकर भगवान को और फिर माता रानी को सिंदूर लगाई हूँ। जितने भी माता है ना सबको मैं सिंदूर लगाई हूँ। जिनको चंदन लगाना होता है उनको मैं चंदन लगाई हूँ, जिनको सिंदूर लगाना है उनको सिंदूर लगाई हूँ। तो बस सबको मैं सिंदूर, कुमकुम, रोली, चंदन सब कुछ लगा दी हूँ। और यहाँ पे मैं धूप अगरबत्ती भी जला रखी हूँ सब कुछ हमारा। अब उसके बाद चंदन टीका लगाने के बाद यहाँ पे मैं पुष्प चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैं यही पुष्प हमारा छत पे है ना, तो मैं कोई फूल नहीं चढ़ा पाती हूँ, क्योंकि मार्केट में अगर जाते हैं तो अभी तो बारिश हो रही है तो वैसे भी नहीं मिल पाता। तो हमारा ये जो सदाबहार का फूल है ना बहुत ज़्यादा ही काम करता है, फूल के बिना ना पूजा जैसे लगता है अधूरा हो जाता है। तो यहाँ पे बस फूल प्रसाद सब कुछ चढ़ाने के बाद यहाँ पे मैं आरती गा लेती हूँ सभी भगवान को, और आरती गाने के बाद मैं सभी दिशाओं में आरती दिखा देती हूँ। और आरती दिखाने के बाद इस तरह जिसे मैं हाथ से कर रही हूँ ना इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे बस मेरा आरती हो गया है, अब मैं हाथ जोड़ के विनती कर लेती हूँ, मंत्र पढ़ लेती हूँ और आशीर्वाद ले लेती हूँ। तो हमारा रेगुलर पूजा डेली ऐसे ही मैं सिंपल तरीके से करती हूँ। आरती गाने के बाद यहाँ पे आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ पे मैं लास्ट में जल ढार देती हूँ, क्योंकि जो हम प्रसाद चढ़ाए ना जल ढारने के बाद ही प्रसाद को उतारते हैं। तो जल ढार दिया, अब मैं सबको आरती दूंगी और प्रसाद दूंगी। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से सिंपल रेगुलर पूजा करते हैं। तो हमारा आज का पूजा रूटीन, आज नहीं मैं रेगुलर ऐसे ही करती हूँ डेली मॉर्निंग में, हमारा सिंपल ही ऐसे ही रहता। तो आप सब भी आरती ले लीजिए। तो इधर आदित्य अजय जाग गए थे जब तक मैं पूजा कर रही थी, तो उनको दोनों को बोल दिया था कि जाओ दोनों जाके नहा लो। तो फिर वो नहा रहे थे ना, तो दोनों एक दूसरे के भिंगाने लगे थे, तो भिंगाने के चक्कर में बाहर पानी फेंक रहे थे। तो यहाँ पे देखिए एक काम, वैसे मॉर्निंग में मैंने पोछा उछा लगा लिया था, मगर यहाँ पे जब तक मैं पूजा कर रही थी तब तक एक काम और फैला के रख दिया। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मोस्ट वेलकम है आदित्य एंड अजय चैनल पे। और अभी मैं जा रही हूँ खाने के लिए। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, इतना बारिश हो रही है ना कि पूरा दीवार जो है, किधर मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ ये मुझे ही देख रहा है। तो आज देखिए रात से इतना बारिश हो रही है कि देखिए मेरा जितने भी दीवार है ना, दीवार पूरा गीला हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हो पूरा जो छत से है ना पानी टपक रहे हैं इस तरह से। सोच सकते हो कि कितना बारिश हुई है। और जितना ही जो बिजली बोलते हैं ना, बिजली कड़कना, बहुत ज़्यादा ही बिजली कड़क रहा है। और अभी टाइमिंग हो गया है 12:30, और मॉर्निंग में सुबह ही जागी थी तो थोड़ा सा झपक गया था आँख। तो मॉर्निंग में सबको खाना वाना खिलाने के बाद मैं भी खा लिया था, नाश्ता वास्ता हो गया था, तो थोड़ा सा मेरा आँख लग गया था, क्योंकि मॉर्निंग में आप जल्दी जागते हो ना तो दोपहर में थोड़ी सी आँख लग जाती है। रात को ना मैं 3 बजे जागी थी, तो 3 बजे से लगातार बारिश होती ही जा रही है। और अभी आदित्य अजय का भी क्लास की छुट्टी नहीं हुई है, अभी दूसरा लिंक आएगा। तो यहाँ पे बस मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, लाइट बंद कर देती हूँ। और घर की भी सफाई करनी है, चूहा बहुत ज़्यादा ही हो गया है तो घर को भी सफाई करनी है। और आज मैं खाना में बनाई लौकी की सब्जी, चावल, आटा भी ख़त्म हो गया है, तो हस्बैंड ऑर्डर किए थे तो अभी आया नहीं है, तो इसलिए मुझे चावल बनाना पड़ा। और वैसे मैं मार्केट से भी जाके मैं चावल लेके आ सकती, सॉरी आटा लेके आ सकती थी नीचे दुकान से, मगर बारिश इतना ज़्यादा मतलब जोर हो रहा था, मतलब पूरा अभी मतलब 5 मिनट पहले बारिश छूटी है और लगातार बारिश हो रही है। पूरे घर की जो दीवारें हैं ना पूरी एकदम गीली कर दिया है, छत से ही पानी टपक रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और आज मुझे सारे अलमारी का जो अलमारी में कपड़े हैं ना सब निकाल के अच्छे से झाड़ू के मतलब अच्छे से फ्रेश करके फिर मुझे इसका तह लगाना है। और आज मुझे घर की सफाई वगैरह ही करना है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू रहिए। और आदित्य एंड अजय चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रही हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, मॉर्निंग में एप्पल खाई थी, ऐसे नहीं कि पूरा व्रत धारण ही है, सेब खाई थी। और अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, तो चलिए खाना खाने के बाद में आप सभी से मिलती हूँ।
खाना खाने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं बेड को सेट कर रही हूँ, और बच्चे क्लास व्लास करते हैं ना और खेलते उलते हैं तो बेड शीट पूरे दिन में लगता है 2 से 3 बार में सेट करना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे बस मैं झटक के बेड शीट को और सेट कर देती हूँ बेड शीट को। बेड जब सेट रहता है ना तो थोड़ा सा अच्छा दिखता है। और यहाँ पे मैं टेबल को भी पोंछ देती हूँ। और अभी टाइम 1:30 बज गए हैं, आदित्य अजय का क्लास ख़त्म हो गया है तभी मैं ये सब काम कर रही हूँ, क्योंकि आदित्य जिस मोबाइल से मैं वीडियो बनाती हूँ ना इसी मोबाइल से आदित्य का क्लास होता है। तो खाना वाना खाने के बाद बच्चे को भी मैंने खाना खिला दिया है। तो अब अलमारी से जो भी कपड़े हैं ना सबको मैं निकाल दूँगी। तो पहले जल्दी जल्दी हम जितने भी कपड़े हैं सब निकाल लेते हैं। तो ज़्यादा मेरा साड़ी वाड़ी भी मिलेगा और बच्चे के कपड़े उपड़े इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं साड़ी अथी कर देती हूँ, और ऐसे मैं बैग में ही रखी थी साड़ी, मगर वो बैग थोड़ा साइड से फटा हुआ था, चैन ख़राब था ना तो चूहा घुस गया था, तो मैं अलमारी में ही साड़ी रख दिया था। और यहाँ पर बस जल्दी जल्दी सब कपड़े को निकाल लेते हैं। तो चलिए जल्दी से कपड़े को निकाल लेते हैं। और कपड़े निकालने के बाद यहाँ पे मैं एक कपड़े से हल्का सा मतलब गीला कपड़ा नहीं है क्योंकि लोहे की अलमारी है ना, तो कपड़े से इस तरह से मैं पोंछ रही हूँ। हल्का सा स्प्रे डाल के जो क्लीनर होते हैं ना उसको डाल के हल्की हल्की, और बस ऊपर नीचे अच्छे से मैं डीप क्लीन कर लूँगी। और बहुत दिनों के बाद मैं इसके अंदर पोंछ रही हूँ क्योंकि चूहा इतना ज़्यादा हो गया है ना कि तबाही मचा कर रख दिए हैं। तो मैं अलमारी को पूरी तरीके से मैंने खाली कर दिया और अच्छे से मैं पोंछ रही हूँ एकदम अच्छे से स्प्रे कर कर के। तो बस फाइनली हमारा अलमारी साफ़ हो गया है, अच्छे से मैंने पोंछ लिया, जितने भी धूल मिट्टी थे सब निकल गया है। अब हमारा अलमारी जो है पूरा फ्रेश हो गया। अब मैं जल्दी जल्दी कपड़े को मैं फोल्ड कर लेती हूँ, फिर इसमें मैं तह लगा के रखूँगी। और ये जो साड़ी मैं फोल्ड कर रही हूँ ना, ये साड़ी से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। और ये साड़ी ना हमें हस्बैंड शादी जब हुई थी ना तो हमारा सेकेंड होली में ला के दिए थे। तो यहाँ पे तो इसलिए जो साड़ी है ना ज़्यादा ही मायने रखता है। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि आप पहनते हो या कुछ देखते हो तो यादें जो होती है ना तरोताज़ा हो जाती है। तो बस सभी कपड़े को मैं जल्दी जल्दी फोल्ड कर लेती हूँ, फिर तह लगा के रखूँगी। और यहाँ पे बच्चे जो हैं अभी टीवी देख रहे हैं, इधर मैं अपना काम कर रही हूँ। तो देखिए अजय हैंड वॉश कर रहा है। खाना खाने के लिए हैंड वॉश कर रहा था, मुझे लगा कि क्या कर रहा है। तो बोल रहा था आदित्य अजय कि मम्मी मुझे रोटी खाना है, तो नीचे से आटा लेके आया था, मंगवाई थी। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी रोटी सेक लेती हूँ और इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।